आज अपन सर्विस कर रहे हैं मिस्टी बीसी हैवी बीसी। सबसे पहले इसकी जल्दी को बाहर निकालेंगे। ये एक नॉर्मल सर्विस है, मास्टर सर्विस नहीं है। सर्विस दो तीन तरीके की होती है। एक तो होती है फिल्टर सर्विस, तो इस फिल्टर को निकाल के धो के लगा दो, जो यूट्यूब पर दिखाया जाता है आप लोगों को, वो ये वाली सर्विस रहती है। वही सर्विस होती है ये वाली, ये नई एसियों के लिए है, नॉर्मल सर्विस रहती है। उसके बाद रहती है एक मास्टर सर्विस होती है, वो रहती है सबसे खतरनाक। उसमें पूरी मशीन खुलेगी, उसके बाद आपका काम होगा। इसके लॉक है, सबसे पहले लॉक खोलो इसकी भी हैवी ड्यूटी के, यहाँ से लॉक खोल के ये फ्रेम खराब हो जाएगी इसके, ठीक है। यहाँ से खींच ली, एक इधर लॉक रहता है तो खींच लो, ये निकल गई इस बार। अब अपन दूसरी फ्रेम खोलेंगे, एक यहाँ लॉक रहता है, लॉक रहते यहाँ पर भी खुल जाते हैं, पर कभी कभी नई मशीन हो ना टाइट रहते हैं ये लॉक। ये भी खुल जाएगी, ये दूसरी फ्रेंस खोल दी, इसके बाद ये रहते हैं इसमें नीचे की साइड रहती है 350, जितना तीन स्क्रू लगे होंगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को भिट्टियों को निकालें। उसके बाद इसमें तीन पेच रहते हैं नीचे, वन तीन पीच रहते हैं ये वाले। ये तीनों पीच खुलने के बाद मशीन का कवर बाहर निकल आएगा। स्लिप लगी रहती है, नई मशीन लगी है, खोल के अब इसमें क्या लॉक रहते हैं ऊपर की साइड, वहां से जो खुलेगी यूं इसको पूरा कवर और यूं करके ये पूरा कवर बाहर निकल जाएगा। ऊपर लॉक के इसके लॉक और थोड़ी हटा देते हैं। भाभी नेक स्टूल देना, भाभी नेक स्टूल दे रही है, स्टूल विस्टूल रखी हो छोटा सा। यहाँ से कवर लेके दूसरी बड़ी ढाव से पन्नी नहीं लगी रही, कपूर टैंक करना मुझे एक और पुरानी वाली मशीन है ना, कवर पुरान हो जब काम स्टार्ट करो तब के जाओ, कवर अलग डरो अगर बुरा में लगे बोली सारी बुरी इंडो है। क्या हाल लेके आऊं मैं, खत्म है वो कवर, नौ कवर तो आऊं जा रहा कवर खत्म है। बहुत बड़ी इंडो है यार,
पेच कैसे ना होते मतलब ना होते बोल्ट का बोल्ट ना होते ऐसी कैसे जाती है ये ऊपर रखो रखो ये चुकी है मशीन चालू। एक नॉर्मल सर्विस है, खास नहीं है, मास्टर सर्विस कभी बताऊंगा। न्यू मशीन थी इसलिए नॉर्मल सर्विस करनी पड़ी। जल्दी वीडियो बंद कर दे, बंद कर दे। आउटडोर में चार पांच बोल्ट रहते हैं, दो इधर रहते हैं, दो उस साइड, एक आगे, और ये फिर फैन का है। अपन इसको खोल देते हैं यहाँ से, ठीक है। और एक बोल्ट जो लगा था वो अपन ने खोल दिया, जाली निकाल दी बाहर, तो खोला। खोलने के बाद मोटर को बचाने के लिए सबसे पहले पन्नी लगा लो। वैसे तो वाटर प्रूफ मोटर रहती है, कुछ नहीं होता, पर तो भी अपनी सेफ्टी फर्स्ट। मोटर का क्या है, पानी जा रहा, बस और कुछ नहीं है। वैसे तो वाटर प्रूफ मोटर है, कुछ होने वाला नहीं है। जल जाएगा तो होने वाला कुछ नहीं है, ये नॉन इन्वर्टर है, इन्वर्टर नहीं है। इन्वर्टर होती तो पानी जाने का काम ही नहीं है, पानी चला जाएगा तो मशीन बैठ जाएगी। ये नॉन इन्वर्टर है, इसलिए कैसे भी काम करेगा। हो जाएगी ना तो कूलिंग दोगुनी बढ़ जाती है। अगर मशीन का ऑयल साफ है घर से, मशीन की कूलिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, विंडो साफ हो या ना हो। मेन काम इसी का है, नीचे वाली मशीन को देखने के लिए, नाम के लिए। इसके बोल्ट हैं कितने, पांच, वन टू थ्री एंड फोर। फाइव स्क्रू या फोर स्क्रू हर मशीन के अंदर मिलेंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा। ये बैठ गई बस ग्रिल, इसको बैठा दो,
बता मशीन चालू करवा दे जा, कहते भाभी जी चालू ना, कोई भी कंपनी वाला नहीं देगा। मैं भी मिस्टुबिशी में ही काम करता हूँ, डाइकिन मिस्टुबिशी आईएफबी, और उसके बाद पैनासोनिक का भी काम किया है, बहुत सी मशीन यानी टोटल होम अप्लायंसेस का ही काम है अपना, एयर कंडीशनर का, जो भी मशीनों में प्रॉब्लम होंगी मैं आपको सब बताऊंगा इस चैनल पे, आप लोग टेंशन ना करें। नेक भी ओके बाय। ये थी अपनी सर्विस, ये नॉर्मल सर्विस थी, मास्टर सर्विस एक दिन मैं आपको बताऊंगा अपने चैनल पे डाल के। अभी ये एसी चालू हो चुकी है, ओके मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक।